नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग इस चैनल पे जानते हैं कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग ज़्यादातर वीडियो लाते हैं, जिसमें से मोस्टली हमारी वीडियो आयरन फ्लाई पर रहती है। आयरन फ्लाई पे हम आपको लर्निंग वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आज एक और जो हम लोग अभी कंटिन्यू अपनी सीरीज चला रहे हैं आयरन फ्लाई की, उसमें एक और एक्सपायरी हो चुकी है 14 जुलाई। तो चलते हैं 14 जुलाई की बैक टेस्टिंग करने की। अगर हम लोग अपने रूल्स के अनुसार और 14 जुलाई की आयरन फ्लाई ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं, तो हम उसे किस तरीके से लॉस फ्री या कम लॉस या अपने प्रॉफिट को लेकर एग्जिट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम 14 जुलाई की एक्सपायरी के लिए जो डेट ट्रेड डिप्लॉय करेंगे वो से प्रीवियस थर्सडे मींस 7 जुलाई को कर रहे हैं, और उसमें हम एंड ऑफ द डे ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे ऑलमोस्ट 320 पे। बिकॉज हमारा मानना यह है कि 320 पर जो मार्केट का एक्चुअल कंडीशन होती है, उसके बाद मार्केट में सेम डे में कोई और मूवमेंट नहीं बचती। मेन मकसद ये होता है कि सेम डे में हमें कोई और न्यू मूवमेंट ना आए उस डे में, ना अप ना डाउन, जिससे हमें सेम डे में कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े ट्रेड को एडजस्ट करने के लिए। तो देखते हैं, बैंक निफ्टी का एटीएम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 34915 है। ठीक है, हम 34900 के 14 जुलाई एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं, 34900 को सेल करते हैं। और आप टोटल कलेक्टेड प्रीमियम मीन्स करीब 800 रुपये हमें टोटल कलेक्टेड प्रीमियम हो रहा है, तो उससे हम 800 में प्लस 200 एक नाइट का रिस्क लेके हम 1000 प्रीमियम का एक दोनों बोथ साइड में हेजेस बाई करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो हालांकि मैं साथ के साथ में आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी अगर उन्हें कंफ्यूजन हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें 800 पॉइंट का प्रीमियम मिला है, तो 1000 पॉइंट मीन्स 33900 हैज बाई करने जा रहे हैं हम, और सेम 35900। आपकी आयरन फ्लाई रेडी हो चुकी है फ्रेंड, जिसमें आपको 15,000 समथिंग का मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है और 9,400 समथिंग का आपको मैक्स लॉस दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जो पुराने लोग देख रहे हैं उन लोगों को मोस्टली पता होगा, बट जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार ट्रेड को मैनेज करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में ही आप देख सकते हैं, तो हम बैक टेस्टिंग में राउंड फिगर या 500 वाले स्ट्राइक प्राइसेस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, और नहीं तो एंड ऑफ द डे ट्रेड को जरूर कुछ ना कुछ एडजस्ट अगर मौका मिलता है तो हम करके चलते हैं, कि ट्रेड को किसी भी तरीके से हम अपने लॉस को कम करें। लॉस कम करने का कारण क्या है फ्रेंड, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, और आज भी मैं आप लोगों के साथ ये बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि देखो, आपको दो ही चीजें आपको हराती है मार्केट में। मेरा मानना यही है कि एक स्टॉप लॉस, कई लोग लॉस को स्टॉप करके निकाल जाते हैं, मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस के बाद ही आपकी ट्रेड आपके फेवर में जाती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आप ट्रेड को जब लॉस स्टॉप मतलब एग्जिट कर देते हो स्टॉप लॉस पे, उसके बाद ही ट्रेड आपके फेवर में जाती है, और आप तब आपके माइंड में आता है यार काश मैं रुक जाता। तो ट्रेड दो ही चीजें मांगती है, एक आप स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से सिस्टम में ना डालें, आपके माइंड में हो अगर आपको स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, और या आप अपने लॉस को कम कर लें। सेकेंडरी पेशेंस, पेशेंस भी बहुत टेस्ट करती देखते हैं इस ट्रेड में हम लोग क्या कर पाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप अप रहा है, तो हमारा ब्रेक इवन ऊपर का है 35500, तो हम 35500 के पास 400 500 के आसपास अगर मार्केट आता है तो एडजस्ट करेंगे, तो एंड ऑफ द डे एडजस्ट करेंगे। 30 मिनट ट्रेड को आगे बढ़ा रहा हूँ,
वीकली ये ट्रेड है, तो वीकली में मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी 100% ये ना सोचे कि आपको जो मैक्स प्रॉफिट है आप ये ले पाएंगे। इवन एक आध बार ये मिल भी सकता है, लेकिन हम इसके चक्कर में हमेशा अपने बेनिफिट को ना निकालें, तो हमेशा माइंड में रखें वीकली ट्रेड है आपका 2500-3000, 3 से 4 हजार का अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो एक बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट है और आपको बुक कर लेना चाहिए वीकली ट्रेड में। तो ऑलमोस्ट हम डे एंड के आसपास आ गए हैं, 320 पे चलते हैं। 320 पे फ्रेंड्स हम 35,122 के आसपास हैं, जिसमें हमें सेम डे में 700 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करके चलेंगे फ्रेंड। आप पहले पुट साइड देखें कि पुट साइड हम कहाँ तक, सॉरी कॉल साइड देख लेते हैं क्योंकि ऊपर गया है। कॉल साइड हम कहाँ तक हेज करने की आवश्यकता है हमें, 35,900। तो अब 35,900 के प्राइस को आप चेक आउट करें तो आपको यहाँ पर सिर्फ 76 रुपये प्राइस दिख रहा है। हम यहाँ से 20 रुपीज का डिफरेंस जहां तक होगा वहां तक शिफ्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही स्ट्राइक प्राइस 20 रुपीज की दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी कहा है, सॉरी न्यू व्यूअर्स को नहीं पता लेकिन पहले वाले व्यूअर्स को पता होगा। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि आपको जो हमने 800 प्लस 200 हजार पॉइंट पे हेजेस बाई कराए थे, तो आपको फ्राइडे इवनिंग में जाते जाते आपको वो हेजेस अपने उस प्राइस तक तो लाने ही लाने हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो हेजेस आपने मेरे कहने पे 200 पॉइंट दूर बाई की थी, 1000 पॉइंट पे बाई की थी, जबकि नॉर्मली आयरन फ्लाई में हम लोग जहां पर हमारे टोटल प्रीमियम का कलेक्टिव अमाउंट होता है वहां तक करते हैं, तो वहां तक तो हमें फ्राइडे को कम से कम लाना ही लाना है। तो आपके 35,900 पे 1000 पॉइंट दूर बाई की थी, इसे हम एग्जिट कर देंगे और 200 पॉइंट इधर मतलब 35,700 को बाई कर लेंगे। ऑलमोस्ट 20 रूल के अनुसार भी देखें तो इसमें तो 20 ऑलरेडी मिल रहा है। 20 रूल्स भी मैं नए लोगों के लिए बता दूं कि भाई दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 20 रुपए से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 20 रुपए से ज्यादा गैप होगा तो हम एडजस्ट वहां उस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं आएंगे, लेकिन हम जिस टेस्टेड साइड में ऐसा नहीं देखेंगे वहां तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, जहां तक हमारे फ्लाई के टोटल प्रीमियम ने हमें कहा था बाई करने के लिए। तो अब हम 39,00 से 35,700 पे आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेम हेयर हम पुट को एडजस्ट करते हैं। पुट हमारी अनटेस्टेड साइड है तो पुट में हम 20 से ज्यादा नहीं पे करेंगे, तो हम 33,900 पे थी हमारी पुट का हैच। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारी 34,400 तक हमारा जो है वहाँ 20 रुपीज पे करके हम लोग नियर आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी फ्लाई रेडी हो गई है फिर से, जिसमें हम डाउन साइड में कंप्लीटली लॉस फ्री हैं एंड अप साइड 7,200 रुपीज का ऑलमोस्ट लॉस है। हमने अपने लॉस को डाउन साइड भी कम किया है। सेम डे फिर मार्केट अप साइड में ही गया है फ्रेंड्स। अच्छा, मार्केट में एक और बात है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है, ये क्वेश्चन होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा। देखो मैं हर बार आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न की तरफ ना भागें, लर्निंग की तरफ भागें। अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए भागेंगे तो आप मार्केट में तो पहले देखो आप एक्सपेक्टेड, जाहिर सी बात है आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और मैं बात आप लोगों को सही कहता हूँ, बाकी यूट्यूबर्स की तरह झूठ नहीं कहता आप लोगों के साथ, कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस समय लर्निंग फेज में हैं, क्योंकि जो लर्निंग फेज में नहीं होता उसका ऑलरेडी सेटअप बना होता है, उसे पता होता है मुझे क्या करना है, वो किस इधर उधर नहीं भटक रहा है, उसे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है। बट आप लोग अगर वीडियो सर्च कर रहे हैं, वीडियो से कुछ ढूंढ रहे हैं, तो मीन्स आप लर्निंग फेज में, और लर्निंग फेज में आप डायरेक्ट रिटर्न पे आ जाते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप बैंक में एफडी कर रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है फ्रेंड्स। आपको लर्निंग पर फोकस करना चाहिए,
और मार्केट में आप लर्निंग पर फोकस करके अपने लॉसेस को अगर कम करना सीख जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। तो इस चीज को आप लोग हमेशा फोकस करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग लॉस कम करें, जिससे आप लोगों को ऑटोमेटिकली कभी ना कभी प्रॉफिट होगा। और ये वीडियो फ्रेंड्स ओनली आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना मैं आप लोगों को कुछ सेवी रजिस्टर्ड हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कुछ भी करें। तो अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी भी जो है हम 35,300 पे हैं, बट अब हमें करना क्या है कि 35,400 जो हमारा ब्रेक इवन है, अगर हम उसके पास आएंगे तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर की साइड में इतना 7,272 रुपए का लॉस हम ओपन नहीं छोड़ सकते फ्रेंड, कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इसने हमारे टेस्टेड साइड को टेस्ट कर लिया है, तो अब हम इमीडिएट बेस पे 35,400 को बाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और 35,700 जो हमारा हैज था उसको एग्जिट कर देंगे। सेम ईयर अब हमें डाउन साइड देखना है कि डाउन साइड में हमारा कितना लॉस है, समथिंग 3,000 है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ दो स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट करेंगे, जिससे हमारा डाउन साइड का लॉस खत्म हो जाए। तो डाउन साइड पे हमारी हैज कहाँ पर थी, 34,400 पे, उसको एग्जिट करेंगे और दो स्ट्राइक प्राइस उसे शिफ्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 रूल भी एप्लीकेबल है, अनटेस्टेड साइड में हमेशा एप्लीकेबल हो जाता है फ्रेंड। तो हमने 34,600 को बाई कर लिया है और 34,400 को एग्जिट कर दिया है। फिर से हम डाउन साइड में लॉस फ्री है और अप साइड भी हमारा जो लॉस है ओनली 3,600 का ओपन है। अब आप यहाँ पे इमेजिनेशन करो फ्रेंड, आपकी दो ही कंडीशन होगी। जब आपने आयरन फ्लाई बनाई थी और आप लोग जो बाकी यूट्यूबर्स आप लोगों को कन्वेंशनल फ्लाई, मैं कन्वेंशनल फ्लाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें सीधी सीधी सी आप लोगों को बताते हैं प्रथा के अनुसार कि आप दो स्ट्रेडल को मतलब दो कॉल पुट सेल कर लो, उसके दो जो टोटल प्रीमियम है उसके हेजेस बाई कर लो और आप बैठ जाओ। अगर टेस्टेड साइड में जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हो 34,400, तो आप अपोजिट साइड का एक कॉल सेल कर दो, सॉरी अपोजिट साइड का जो टोटल कॉल है उसे सेल कर दो। आपको यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ कि अपोजिट साइड का अगर हमारा जो ब्रेक इवन आया 34,400, तो इस टाइम पे जब हमारा ये टेस्ट हुआ उस साइड समय पे हमारा अपोजिट साइड का ब्रेक इवन जो मेरे हिसाब से उस समय पे आपका 34,000 के आसपास रहा होगा, नहीं 34, हाँ 34,000 के आसपास रहा होगा। उसका प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, ओनली 27 रुपीज। अब आप ये बताओ ये 27 रुपीज का आप सेल करके क्या बचा लोगे, यहाँ पर आपका लॉस ओपन होता है यहाँ पर समथिंग 8-10 हजार, उसमें से आप सिर्फ 27 रुपए का एक पुट ऑप्शन सेल करके आप कितने रुपए बचा लेते, सिर्फ 500 रुपए। आपके नेकेट सेलिंग का रिस्क भी लेते हैं आप, ओवरनाइट रिस्क रहता है आपको, आपकी ट्रेड अभी चल रही है किस डेट पे है, एक मिनट, आपकी ट्रेड अभी मंडे पे है जिसमें आपको मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट, वेनेसडे नाइट, थ्री नाइट का रिस्क भी ओपन छोड़ना है और आप नेकेड सेलिंग करोगे सिर्फ किसके लिए, 7-8 थाउजेंड, सॉरी 8 से 10 हजार लॉस में सिर्फ 500 रुपए कम करने के लिए। क्या ये सही है? और इस मेथड के अनुसार, इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आप देख रहे हो कि आपका लॉस ऑलरेडी 3,600 रुपीज पे आ चुका है, जो कि आपके पहले वाले जो लॉस था 8-10 हजार उसके मुकाबले 1/3 हो चुका है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केट में एक बात तो आप समझ लो कि आप केवल ट्रेड बना दो और आप सोचो कि हाँ हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आपको ट्रेड के साथ चलना पड़ेगा फ्रेंड, जिसके बाद आप प्रॉफिट करो या लॉस कम कर पाओ वो आपको और मार्केट सुप्रीम है, मार्केट पर डिपेंड करता है। क्योंकि तो एक तो आप ये जो है आयरन फ्लाइट नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है और बहुत अच्छी ट्रेड होती है। देखिए अभी मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, इस समय हो सकता है कि आपको ये मार्केट पैसा ना दे,
आपको लॉसेस भी कराए, कभी छोटे कभी बड़े, लेकिन ऑल टाइम मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं रहता है। आपको जिस समय पे मार्केट पैसे देने वाला समय होगा, उस समय आप मार्केट से एग्जिट हुए बैठे होंगे, आप मार्केट से बाहर हो गए होंगे। और अगर आप इन समय पे भी मार्केट में एंटर्ड हैं, तो आप मार्केट से लर्निंग ले रहे हैं। हो सकता है इन समय पर आपको वीकली ट्रेडों, मंथली ट्रेडों में आपको फायदा ना हो, बट आपको यहाँ से जो लर्निंग मिल रही है, ये आपको उस समय पर बहुत काम आएगी जिस समय मार्केट स्टेबल रहेगा और आप कंसिस्टेंट मनी को वहां पर बना पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, टेलीग्राम की मेरी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ, और उसमें से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपनी जो पेड सर्विस बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ, 200-300 रुपीज की नॉमिनल फीस के साथ आप लोगों को अपनी ट्रेड मंथली जो मैं अर्न फ्लाई क्रिएट करता हूँ उसे शेयर करता हूँ, उसकी एडजस्टमेंट को शेयर करता हूँ, और जो छोटे मोटे डाउट होते हैं उन्हें पर्सनल चैट पर सॉल्व करता हूँ। फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपनी अगस्त मंथ के लिए जो आयरन फाइल क्रिएट करूंगा उसकी पेमेंट डिटेल एंड अनदर फर्दर डिटेल्स जो भी होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दो दो घंटे आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड, 2300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आप लोगों को कहा है 2500-3000 रुपये का अगर वीकली प्रॉफिट हो, 3000 तो से ऊपर मिले तो आपको बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। सॉरी, वेनेसडे एंड में देखते हैं क्या हुआ। अब वेनेसडे एंड में आप देख रहे हैं फ्रेंड, ट्रेड हमारे ऑलमोस्ट सेंटर में आ गई थी। अब हमें यहाँ पर फिर से अपने क्या ये इस लॉस को ओपन छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्यों ना हम इसे एडजस्ट कर लें। भाई, आपकी ट्रेड कॉल साइड में हैज था 34 और 35 400। अब आप ये देखें कि लॉस कितना है आपको। सॉरी, मैंने उसे एडिट कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपको 3600 रुपीज का लॉस है, तो मीन्स हम दो स्ट्राइक प्राइस अगर अंदर आ जाएंगे तो हमारा ये लॉस खत्म हो जाएगा ना। कम से कम हमें लॉस तो नहीं होगा, वरना मार्केट तो वॉलिटाइल है। आप क्या मानते हैं कि अभी हम 3400 समथिंग पे, 900 समथिंग पे चल रहे हैं, क्या हम दोबारा 3500-200 को क्रॉस नहीं कर सकते नेक्स्ट डे? और फिर हमारा ये प्रॉफिट तो प्रॉफिट, ये लॉस अलग हो जाएगा। तो यही सारी चीजों को आप लोगों को समझना है, और इन सब चीजों को आप लोगों का अपनी सोच के अनुसार भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग मेरे थॉट प्रोसेस को कैच कर सकते हैं, और मेरी मंथली ट्रेड में आप मेरे साथ व्हाट्सएप में, जो कि बहुत नॉमिनल सी फी मैंने पे करने को कहा है आपको, 200-300 रुपये पे करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो 35400 को हम अंदर ले लेते हैं, 35200, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गई हमारी ट्रेड लॉस फ्री। अब मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या सेंटर पे रहे, हमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका प्रॉफिट भी टारगेट पे आ चुका है। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, क्योंकि बेशक यहाँ पर लॉस नहीं है, लेकिन आपके प्रॉफिट जरूर खत्म हो सकता है। अगर रेंज के आउट होगा तो आपको प्रॉफिट खत्म हो सकता है, इसलिए आप लोगों को मैं कहूंगा कि 3000 रुपीज एक सफिशियंट इनफ अमाउंट होता है वीकली ट्रेड के अनुसार। अगर आप चाहें तो यहां पर बुक कर सकते हैं, आपके कैपिटल का ये समथिंग 3% है। ओके फ्रेंड, अब हम यहाँ पर इस क्रम में अपने प्रॉफिट को लॉक करना भी आप सीख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑलरेडी इसे मान के चलें कि आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट था 3000 रुपये आपने बुक कर लिया है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर इसमें बैठे, लेकिन हम
देखते हैं कि प्रॉफिट को लॉक कैसे करते हैं अगर हमें किसी को इस सेंटर के लिए बैठना है तो। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप यहाँ पर देखें पुट साइड में आपकी हैच कहाँ पर थी, 34,600 पे, कितने रुपए में, 26 रुपए में। आप यहाँ पे देखें सिर्फ आप थोड़ा सा अमाउंट पे करेंगे तो आप समथिंग यहाँ पर 10-15-17 रुपए लग रहे हैं आपके, अमाउंट पे करेंगे। ठीक है अभी नहीं पे करते, आगे देखते हैं क्या होता है और टाइम को डिके हो जाने देते हैं। क्योंकि अब हम जब एक्सपायरी पे है तो 20 रुपए 17 रुपए पे करना भी ठीक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मार्केट ऑलमोस्ट सेंटर पे और आपको 32-3300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जिसको एग्जिट करना हो वो एग्जिट कर सकता था। अभी भी हमें 2400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर से 3000 हो गया फ्रेंड। अब आप बिल्कुल ट्रेड एंड ऑफ द डे के तरफ जा रही है और हमारा प्रॉफिट भी घटता जा रहा है क्योंकि हम रेंज के बाहर जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों को हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। अब आप यहां पर चाहें तो ये आपका बिल्कुल फ्लैट हो गई है, आपको ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा, और आप देख रहे हैं आपको सिर्फ 1300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको 34,600 है और आपको अपने प्रॉफिट को नीचे की तरफ की रिस्क मतलब लेना है कि भाई आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 349 रुपये मिल सकते हैं इसके नीचे गया तो, और ऊपर साइड में अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ऊपर कुछ मिल जाए तो आप इमीडिएट यहाँ पे 700 को बाई कर सकते हो और 600 को एग्जिट कर सकते हो थोड़ा सा प्रॉफिट को लॉक करने के लिए 600। 600 ऑलरेडी 2 रुपीज से चल रहा है एक्चुअली ट्रेड फ्रेंड, एग्जिट ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, अब ट्रेड में कुछ बचा नहीं है। जो भी है या तो आपको बुक करना पड़ेगा या आपको ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, जो भी आप वेट कर सकते हैं अपने मैक्स प्रॉफिट के लिए या मैक्स लॉस के लिए। तो हम चलते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो भी होगा उसे हम मानेंगे। तो एंड ऑफ द डे आप देख रहे हैं फ्रेंड आपको समथिंग 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉक करने को कहा था वो मेरा कंसर्न ये था कि अगर जैसे ये इस ब्रेक इवन पे आया, इस ब्रेक इवन पे आने पे नीचे साइड में अगर हमें 10-5 रुपये में हैचेस शिफ्ट होती तो हम उसे शिफ्ट करते और नीचे साइड में हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाता। आज की ट्रेड में नहीं हुआ तो वो अलग बात है। मैंने आपको ये एक आइडिया दिया है कि हर कंडीशन में अलग अलग टाइप की एडजस्टमेंट होती है और जब जो हो हमें थोड़ा सा मार्केट से टच में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हम ट्रेड को बना दें और भूल जाएं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने लोग हैं उनसे इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ कि वो वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ जो लोग मेरे मंथली ट्रेड के साथ मेरे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिससे उन्हें फर्दर आगे की डिटेल्स मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।